भाग्य विधाता बनाने की आस मोदी जी के सामने है, कालचक्र बनाने की आस मोदी जी के सामने झुका है, और सारे यूनिवर्सल फोर्स, द यूनिवर्सल फोर्सेस उनके कदमों को छू रहे हैं। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं कि आप इस विशाल जमुदशा को, इस विशाल जनसमुदाय को और सारे राज्य के लोगों को और देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को संबोधित करें, तालियों की गूंज के साथ मोदी जी का स्वागत करें आदरणीय मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराजाना मी मानाचा मुजरा करतो। मंचावर बसलेले राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, श्री वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी, सुरेश प्रभु जी, पीयूष गोयल जी, सांसद छत्रपति संभाजी राजे जी, सांसद छत्रपति उदयन राजे जी, श्रीमान रामदास आठवले जी, श्री सुभाष भामरे जी, चंद्रकांत पाटिल जी, सुभाष देसाई जी, विनोद तावड़े जी, एकनाथ शिंदे जी, प्रकाश मेहता जी, श्रीमान प्रवीण पोटे पाटिल जी, श्रीमान मदन येरावर जी, डॉक्टर रंजीत पाटिल जी, श्रीमान विनायक मेटे जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्रीमान रावसाहेब दानवे जी, श्रीमती स्नेहल अंबेकर जी, संजय मोरे जी, श्रीमान ए के मित्तल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज मैं कितना आनंदमय अनुभूति कर रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के लिए मुझे जिम्मेवारी दी तो मैं पहले रायगढ़ के किले पर आया, छत्रपति जी की समाधि उसके सामने बैठ करके ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और अपने योग्यता और क्षमता के आधार पर किया था और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था, शायद इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव है कि जिसने
लगातार संघर्ष के बीच में सुशासन की उत्तम परंपरा को मजबूत बनाया हो, आगे बढ़ाया हो। इतिहासकारों की नजरों से, रंगकर्मियों की नजरों से जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं तो घोड़ा हो, घोड़े पर शिवाजी महाराज हो, हाथ में तलवार हो, और उसके कारण हमारे मन में भी एक ही छवि बनी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। अगर हम भगवान रामचंद्र जी का मूल्यांकन सिर्फ रावण वध से करें, अगर हम श्री कृष्ण का मूल्यांकन सिर्फ कंस को पराजित किया उस प्रकार से करें, अगर महात्मा गांधी का मूल्यांकन सिर्फ अंग्रेजों को निकाला यहां तक करें, तो शायद हम इन महापुरुषों का पूर्ण रूप देखने में असफल हुए, ये हमें स्वीकार करना होगा। प्रभु रामचंद्र जी, रावण का वध उनके जीवन के अनेक पहलुओं में एक पहलू था, लेकिन बाकी इतने पहलू थे जो आज भी भारतीय जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में भी सिर्फ कंस ही एक घटना नहीं थी, युद्ध के मैदान में गीता का संदेश। कोई कल्पना कर सकता है कि देश कैसी मिट्टी है कि जिस मिट्टी में ऐसे लोग जन्म लेते हैं कि जो युद्ध के मैदान में भी हजारों साल प्रेरणा देने वाले चिंतन की धारा को गीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। महात्मा गांधी आजादी के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों को निकालने के लिए जूझते रहे, लेकिन साथ साथ महात्मा गांधी ने समाज में बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति के अंदर चेतना भरने का प्रयास किया, आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया, हम उसे कभी भी कम नहीं आंक सकते। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। लेकिन साथ साथ आप कल्पना तो कीजिए, जैसे राम जी ने छोटे छोटे लोगों की सेना बनाई, वानर सेना बनाई और बड़ाई लड़े, जीत ली, कितना बड़ा संगठन का कौशल्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी छोटे छोटे किसान मावले, उनको साथ लिया, उनको प्रशिक्षित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कितने बड़े संगठन शास्त्र का कौशल्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रस्तुत किया। आज भी हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अगर वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। मुद्रा नीति, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव था कि मुद्रा का निर्माण, सिक्के बनाने का काम
विदेशी लोग करने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घ दृष्टि थी, उन्होंने कहा अगर मुद्रा पर किसी का अधिकार हो गया तो शासन को पराजित होने में देर नहीं लगती है, और उन्होंने खुद ने सिक्के बनाने के लिए व्यवस्था खड़ी की, लेकिन कभी विदेशियों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आज पूरे विश्व में सामुद्रिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, सारी दुनिया सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर के सजग हो गई है, हर किसी को अपने अधिकारों की रक्षा और अपने व्यापारिक संबंधों को विश्व भर में सुरक्षा मिले उसकी चिंता रहती है। लेकिन इतने सालों पहले इसी धरती में एक वीर पुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने नेवी की स्थापना की थी और सामुद्रिक सामर्थ्य को जिन्होंने पहचाना था, और हम सिंधु दुर्ग समेत जितने भी किले देखते हैं उसमें उस नेवी के लिए आवश्यकताओं को बल दिया गया है। ये बात सही है, दुनिया में जहां पर पुरातन जीवन व्यवस्थाएं हैं उन देशों में टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए आइकॉनिक चीजें एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण बनती है। आज भी दुनिया हिंदुस्तान में टूरिज्म की चर्चा आती है तो ताजमहल का नाम सुनते ही उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए। हर युग में इस प्रकार के आइकॉनिक सिंबॉलिक चीजों का जो निर्माण हुआ है सदियों तक उस देश की वो पहचान बना हुआ है। दुनिया के कई देश हैं जहां सिर्फ फॉर टूरिज्म किलों का प्रवासन, इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। भारत के पास भी हमारे राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसे पूरे देश के हर कोने में अनेक किले बने हुए हैं, इसकी अपनी एक रचना है, सुरक्षा का विज्ञान है, आर्किटेक्चर है। उस समय किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग होता था उसकी भली भांति विशेषताएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम ताजमहल के बाहर निकल ही नहीं पाए। इस देश के हर कोने में विश्व को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रवासन धाम है। अगर भारत का सही रूप में विश्व के सामने प्रस्तुतीकरण हो तो विश्व को भारत में टूरिज्म के लिए आकर्षित करने की पूरी ताकत है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का व्यापार टूरिज्म में है। भारत दुनिया की पुरातन परंपराओं से जीने वाला देश विश्व को आकर्षित कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए अगर हम सही रखरखाव करें विश्व के सामने उसकी पहचान कराएं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज को भी कहें कि आइए आपको एडवेंचर टूरिज्म करना है तो इन किलों की जरा चढ़ाई करके दिखाइए, घोड़े पर जाना है किले पर जाइए घोड़े पर हम लेने की व्यवस्था करते हैं। और मैं भारत सरकार के एसआई डिपार्टमेंट को कहूंगा कि क्यों न हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से शुरुआत करें और देश भर में एक किलों के टूरिज्म का एक माहौल बनाए, उसका रखरखाव जन सामान्य को आकर्षित करे ऐसा बनाए। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए अत्यंत आनंद का पल इसलिए है और मैं महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं कि मुझे आज जो शिव स्मारक बनने वाला है
उसमें जल पूजन का, भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है। ऐसा अवसर जीवन में धन्यता की अनुभूति कराता है और मुझे विश्वास है कि जो संकल्पना महाराष्ट्र ने की है, फडणवीस सरकार ने की है, ये संकल्पना परिपूर्ण होकर रहेगी और पूरा देश जब निर्माण कार्य पूरा होगा तब गर्व की अनुभूति करेगा और विश्व में सीना तान के खड़ा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक बिल्डिंग हमारे पास है और उस महापुरुष ने है जिसने, उस महापुरुष का है जिसने जन सामान्य के सुख के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को आज नमन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश में भांति भांति की राजनीति हुई है, विविधताओं से भरे हुए अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं, लेकिन अब 70 साल के अनुभव के बाद हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद हमने एकमात्र विकास का मार्ग अपनाया होता तो आज भारत में जो समस्याएं जड़े जमा चुकी हैं, ऐसी समस्याएं कभी जड़े जमा नहीं सकती थी। विकास यही एकमात्र समस्याओं का समाधान है। देश के नौजवानों को रोजगार देने की संभावना विकास में है, देश के गरीबों को हक दिलाने की ताकत विकास में है, मध्य प्रदेश मध्यम वर्गीय लोगों को अपने अरमान पूरे करने के लिए ऊंची दौड़ के लिए आगे बढ़ना है तो विकास ही उनको अवसर दे सकता है। सम्मान से जीने के लिए विकास ही एक मार्ग होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब से आपने हमें दायित्व दिया है, हमने विकास को ही केंद्र बिंदु में रखा है और जब हम विकास को केंद्र बिंदु में रखा है तब हमारे मन में साफ है कि विकास वो हो जो सस्टेनेबल हो, विकास वो हो जो गरीबों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का मौका देता हो, अपने आशा अरमान पूरा करने का बल देता हो, ताकत देता हो, एम्पावरमेंट देता हो। और इसलिए हमारी सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण है। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आया, छोटे छोटे कारखानों में से जो लोग निवृत्त हुए थे, जो सरकारी कामों से जिनको पेंशन मिलता था, मैं हैरान हो गया। कुछ लोगों को 7 रुपये पेंशन मिलता था, कुछ लोगों को 51 रुपये पेंशन मिलता था, कुछ लोगों को 80 रुपया पेंशन मिलता था, 100-150 के आसपास से ऊपर कोई नहीं था। अब पेंशन लेने वाला भी 7 रुपया लेने के लिए ऑटो रिक्शा कर करके 80 साल का व्यक्ति पोस्ट ऑफिस क्यों जाएगा। हमने आते ही निर्णय किया कि जो निवृत्तमान लोग हैं जिनको इतना कम पेंशन मिलता है, सरकारी खजाने पर बोझ तो लगेगा लेकिन उनको कम से कम 1000 रुपया मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और भाइयों बहनों,
35 लाख से ज्यादा लोग, ये छोटा आंक नहीं है, सैकड़ों करोड़ों का बोझ सरकार के खजाने पर लगा और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इन बुजुर्गों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अहम कदम उठाया। दवाइयां महंगी हो रही हैं, हमने अधिकृत रूप से जेनरिक मेडिसिन पर बल दिया, जन औषधालय खोलने का पूरे देश के अंदर एक बीड़ा उठाया है ताकि गरीब को सस्ते में दवाई मिले और सही मिले, अच्छी मिले, समय पर मिले, ताकि गरीब का दवाई के नाम पर कोई शोषण न करे। गरीब मां लकड़ी के चूल्हे में चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, उस गरीब मां के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं जाता था। वो गरीब मां बीमार नहीं होगी तो क्या होगा, उस गरीब मां का बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। सरकार ने निर्णय किया कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले इन गरीब परिवारों को ये लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्त कराना है। और हमने बीड़ा उठाया, करोड़ों करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है, करोड़ों की तादाद में लोगों को मिल चुका है और आने वाले 3 साल में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का काम हमने उठाया है। इस देश में आजादी के 70 साल हो गए, 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे, बिजली का खंभा तक नहीं लगा था, न तार पहुंचा था न बिजली देखी थी। क्या इतिहास इन 70 साल जिन्होंने बर्बाद किए उनको माफ करेगा क्या कि उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में 70 साल तक इन गांव वालों को 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्होंने उजाला नहीं देखा था, अंधेरी जिंदगी में गुजारा करते थे। हमने 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, आधे से अधिक गांवों को पूरा कर दिया है और गांवों का काम तेजी से चल रहा है और 1000 दिन में इस काम को परिपूर्ण करके रहना है। भाइयों बहनों, कौन कहता है देश बदल नहीं सकता है, मैं विश्वास से कहता हूं, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के भरोसे कहता हूं, देश बदल सकता है। दोस्तों, और लिख के रखिए, देश बदलेगा भी, देश बढ़ेगा भी, देश दुनिया के सामने सरूपा करके खड़ा हो जाएगा। ये मैं 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आज इसी मंच पर जिन प्रकल्पों को लेकर के शुभारंभ हुआ है, उन प्रकल्पों का अगर रुपये पैसों में जोड़े तो कितना बड़ा हो रहा है। इसी एक मंच पर से ये जितने जितने बटन मुझसे दबा रहे थे ना, 1,06,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट हैं, 1,06,000 करोड़। अकेले मुंबई में एक ही कार्यक्रम में 1,06,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा विकास के कामों का शुभारंभ होता हो,
ये शायद मुंबई के इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी और ये हम करके दिखाते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग, मैं जब आज मुंबई की धरती पर आया हूं तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता का सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे देश में अच्छा कहो या बुरा कहो, लेकिन एक आदत सी बन गई है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं इसका सबूत क्या? अगर चुनाव जीतते हैं तो सबूत है कि आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप हार गए तो माना जाता है कि निर्णय आपका गलत था। जब हमने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है लड़ाई शुरू की है, एक के बाद एक कदम उठाए, लेकिन 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया, जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको भ्रमित करने के प्रयास हुए, उनको डराने के प्रयास हुए, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, लेकिन जिसको अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उसकी कॉमन सेंस ने इस बातों में बहकावे में आया बिना देश की भलाई के निर्णय का साथ दिया। और जब पिछले यहां चुनावों में महाराष्ट्र के लोगों ने इस निर्णय पर मोहर लगा ली तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज चला गया कि सत्य किसके साथ है और देश किस दिशा में जाना चाहता है। भाइयों बहनों, मैंने गोवा में कहा था ये लड़ाई सामान्य नहीं है, 70 साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसे तगड़े तगड़े लोग, इसको सफल न हो इसके लिए सब कुछ करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, और किसी ने भी ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़ी है, जिससे जो हुआ वो सब करने की कोशिश की है। लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते दोस्तों। और देश कभी हार नहीं सकता है दोस्तों, 125 करोड़ का देश कभी पराजित नहीं हो सकता है, ऐसे मुट्ठी भर लोगों से देश कभी झुक नहीं सकता है।
कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोर सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम, अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। मेरे देशवासियों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है। आगे भी जितने दिन बाकी हैं, जो भी तकलीफ आएगी देश झेलने के लिए तैयार है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, संभल जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए और हर नागरिक की तरह आप भी सुखचैन की जिंदगी जीने के लिए आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। यह सरकार आपको तबाह करने पर तुली नहीं है, यह सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और कोई मानता है कि पहले की तरह कोई रास्ता खोज करके निकल जाएगा तो आपने गलत सोचा है। आपको पता होना चाहिए सरकार बदल चुकी है, आपको पता होना चाहिए 30 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की जनता ने भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए सरकार बनाई है और वो काम ये सरकार करके रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। देश की भलाई के लिए ये स्वच्छता का अभियान है, देश की भलाई के लिए साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन हो, साफ सुथरा प्रशासन हो, विश्वास का वातावरण हो, देश के हर निर्णय की नियमों की कीमत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। भाइयों बहनों, इस प्रकार का पाप करने की आदत मुट्ठी भर लोगों को है, लेकिन उसके कारण देश के कोटि कोटि लोगों को सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, अगर उनको मोदी का डर न लगता हो, बेईमानों को,
को न लगे। सरकार का डर नहीं लगता है, न लगे। लेकिन बेईमान लोगों, इन सवा सौ करोड़ देशवासियों के मिजाज को कभी कम मत किए, उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा। सवा सौ करोड़ देशवासियों का मिजाज बदला है, वे अन्याय सहने को तैयार नहीं है, बेईमानी सहने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार स्वीकारने को तैयार नहीं है, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लड़ाई जीतने के लिए आप लोगों ने मुझे जो साथ और सहयोग दिया है, मैं आज इस मुंबई की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव स्मारक के निर्माण के अवसर पर, उसका शुभारंभ हो रहा है इस पल पर, देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम लड़ाई जीतेंगे नहीं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार का इस विकास के कामों में सहभागिता के लिए फडणवीस जी के नेतृत्व में एक दीर्घदर्शी महाराष्ट्र को सरकार मिली है, विकास को समर्पित सरकार मिली है। चाहे किसानों के लिए पानी के प्रबंध की चर्चा हो, चाहे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर प्रकार से महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं फडणवीस जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे रहिए, एक 5 या 10 मिनट के लिए यहां के वीआईपी यहां से निकलेंगे और एक 5 या 10 मिनट में आप फिर वहां से निकल सकते हैं। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सभी को धन्यवाद। आदरणीय